नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार के विश्वविद्यालयों में लागू होगी नई व्यवस्था। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपितों की जमानत याचिका पर सुनवाई टली। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए हुआ बड़ा बदलाव। लगातार बढ़ रहा कोसी नदी का जल स्तर, तटबंधों पर बढ़ने लगा दबाव। ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश मुकाबले में हैट्रिक लेकर पैट कमिंस ने रचा इतिहास। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के विश्वविद्यालयों में लागू होगी नई व्यवस्था। कॉपी जांच से सर्टिफिकेट सब होंगे ऑनलाइन। बिहार के सभी विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों की पूरी गतिविधियों को अब नई व्यवस्था के तहत ऑनलाइन करने की तैयारी की जा रही है। छात्र छात्रों की सुविधा के मद्देनजर यह डिजिटल बदलाव किए जा रहे हैं। इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों को केंद्र सरकार द्वारा निर्मित सामर्थ्य पोर्टल पर सभी जानकारियां उपलब्ध करानी होगी और इसे लागू करने के लिए शिक्षा विभाग और केंद्र सरकार के साथ पहले ही सब कुछ तय कर लिया गया है और इसे धरातल पर उतारने में शिक्षा विभाग लगा हुआ है। बता दें कि इस सिस्टम के तहत परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच भी ऑनलाइन होगी और जाँच के क्रम में जैसे जैसे शिक्षक विभिन्न प्रश्नों के उत्तर के लिए अंक देते जाएंगे वो स्वतः अंत में जुड़ता जाएगा। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपितों की जमानत याचिका पर सुनवाई टली। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हुए आरोपितों की जमानत याचिका पर आज शुक्रवार को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, जो अब टल गई है। बताया जा रहा है कि आज की सुनवाई में पटना पुलिस बिना डायरी लिए पहुंची थी। अगली सुनवाई में कोर्ट ने NHAI के गेस्ट हाउस की डायरी मांगी है। बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में अभ्यर्थी, परिजन और कुल सेटर समेत कुल 13 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है और वो पटना के बेउड जेल में बंद है। आज की सुनवाई टलने के बाद अब अगली सुनवाई 25 जून को होगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्रियों ने किया योग, दिया बड़ा संदेश। शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में NDA के कई बड़े नेताओं ने योग किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और नीतीश कैबिनेट में शामिल हुए मंत्रियों ने योग दिवस के अवसर पर योग किया। योग दिवस के अवसर पर पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। वहीं मोदी कैबिनेट में शामिल बिहार कोटे के केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, गिरिराज सिंह, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान ने भी योग किया और योग की महत्ता बताते हुए सभी को योग को जीवनचर्या में अपनाने की अपील की। CM नीतीश ने दिखाई 117 पुलिस वाहनों को हरी झंडी। सड़क सुरक्षा, यातायात व्यवस्था एवं मानव व्यापार निषेध के सुदृढ़ीकरण हेतु मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को 117 पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। पुलिस वाहनों के लोकार्पण के पूर्व मुख्यमंत्री ने उसका निरीक्षण किया और उसकी कार्य प्रणाली के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। इस पहल से पुलिस सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन और अधिक बेहतर होगा और सशक्त होगा, तो साथ ही मानव व्यापार निषेध पर भी पुलिस और बेहतर तरीके से एक्टिव हो सकेगी। आपको बताते चले कि इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के अलावे कई और मंत्री भी मौजूद थे। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए हुआ बड़ा बदलाव। बिहार में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के लिए अटेंडेंस प्रोसेस में बड़ा बदलाव किया गया है। अब 25 जून से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल ऐप विकसित किया गया है। वहीं इस मामले में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र जारी कर इसे अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही प्रधानाध्यापक और शिक्षक कैसे ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करेंगे इस संबंध में विभाग की ओर से वीडियो जारी कर बताया गया है। कम्पिटिटिव एग्जाम को देखते हुए 9 जोड़ी परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का होगा परिचालन। डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंट्रेंस कम्पिटिटिव परीक्षा को देखते हुए भारतीय रेलवे द्वारा युवाओं की सहूलियत के लिए 9 जोड़ी परीक्षा विशेष ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। 21, 22 और 23 जून को गाड़ी संख्या 03397 पटना गया अनारक्षित परीक्षा स्पेशल पटना जंक्शन से रात 1 बजे खुलेगी। वहीं वापसी में गया से 21, 22 और 23 जून को रात 8 बजे
बजे खुलेगी। इसी प्रकार पटना DDU अनारक्षित, पटना से कटिहार स्पेशल, सहरसा से पटना, रक्सौल पटना, बेतिया पटना, मुजफ्फरपुर से छपरा और मुजफ्फरपुर भागलपुर अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। इन ट्रेनों का परिचालन कम्पिटिटिव एग्जाम के समय ट्रेनों में भीड़ की वजह से होने वाली असुविधाओं से बचने के लिए किया जा रहा है। चुनाव में हुए खर्च की जोड़ने की कवायद में जुटे सभी राजनीतिक दल। लोकसभा चुनाव के दौरान किए गए खर्चों को जोड़ने में बिहार के सभी राजनीतिक दल जुट गए हैं। राजनीतिक दलों के कार्यालयों में चुनाव के दौरान जिन वाहनों के इस्तेमाल की अनुमति ली गई थी उन पर कितना राशि खर्च हुआ, झंडा, बैनर, चुनाव प्रचार, हेलीकॉप्टर इत्यादि में जितना भी खर्च हुआ उसका ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है। बता दें कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों को लोकसभा चुनाव में हुए संपूर्ण खर्च का ब्यौरा 90 दिनों के भीतर देना होता है, तो वहीं उम्मीदवारों को चुनाव समाप्त होने के 23 दिनों के अंदर खर्च का ब्यौरा देना होता है। लगातार बढ़ रहा कोसी नदी का जल स्तर, तटबंधों पर बढ़ने लगा दबाव। नेपाल की पहाड़ी क्षेत्रों में हुए बारिश की वजह से बिहार के सुपौल में बह रही कोसी नदी के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं लोग बाढ़ की सुगबुगाहट से सहमे हुए हैं। गुरुवार की सुबह 4 बजे से ही कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। गुरुवार शाम 6 बजे तक कोसी बराज का जलस्तर 2,04,175 क्यूस के बढ़ते क्रम में दर्ज किया गया, जबकि जल अधिग्रहण 12 क्षेत्र में नदी का जलस्तर 1,11,000 क्यूस के घटते क्रम में दर्ज किया गया। वहीं बराज के 56 में से 21 फाटक को खोल दिया गया है। जिस ओर पानी का प्रभाव अधिक दिख रहा है फाटकों का संचालन भी उसी दिशा में किया जा रहा है। वहीं बढ़ते जलस्तर के बीच नदी के प्रवाह के साथ अत्यधिक बालू की मात्रा भी देखी गई है। बंद घर से 50 लाख के गहने और नगद गायब, बिहार के नालंदा में चोरों का आतंक। बिहार के नालंदा जिले में चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। बंद पड़े घर से चोरों ने लाखों के गहने और नगद की चोरी कर ली है। बताया जा रहा है कि बिहार थाना क्षेत्र महलपर बिचली गली के निवासी अर्जुन कुमार सिंह के पुत्र सूर्यकांत सिंह के घर पर रविवार को कोई नहीं था। वे अपने ससुराल गया में ससुर की शादी की सालगिरह मनाने पूरे परिवार के साथ गए थे। वहीं घर को खाली देख चोरों ने फायदा उठाया और आलमारी में रखे 70,000 नकदी सहित 50 लाख रुपए के गहने गायब कर दिए। पीड़ित सूर्यकांत ने घटना की जानकारी पुलिस को दी है। सूचना पाकर पुलिस मामले में जांच में जुटी हुई है। 537 करोड़ की सरकारी दवाएं हुई एक्सपायर, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। बिहार के सरकारी अस्पतालों में फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच 537 करोड़ की दवाएं और सर्जरी के सामान गोदाम में पड़े पड़े खराब हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के DVDMS पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों की समीक्षा के बाद विभाग द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई। एक तरफ अस्पतालों के गोदामों में दवाएं एक्सपायर हो रही हैं, वहीं मरीजों को मुफ्त इलाज से लेकर दवाओं की सुविधाएं दिए जाने के सरकार के दावों के बीच मरीजों को बाजार से दवा खरीदना पड़ रहा है। वहीं रिपोर्ट आने के बाद विभाग में खलबली मची हुई है। वहीं कोई भी दवा एक्सपायर ना हो इसके लिए विभाग के अपर निदेशक डॉक्टर ज्ञान शंकर ने सभी CS को निर्देश जारी किए हैं। साथ ही दवा एक्सपायर होने के बारे में राज्य मुख्यालय और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। फर्जी लाइसेंस पर हथियार लेकर सालों से नौकरी कर रहे थे गार्ड, पुलिस ने दबोचा। बिहार के मुजफ्फरपुर से फर्जी लाइसेंस पर हथियार लेकर सालों से गार्ड की नौकरी कर रहे दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों गार्ड पिछले 8 सालों से फर्जी लाइसेंस पर नौकरी कर रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार बंदूक के लाइसेंस पर गोपालगंज व खगड़िया जिला से निर्गत फर्जी सील लगाकर NH-28 मनियारी टोल टैक्स पर गार्ड तैनात थे। दोनों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही हथियार को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस द्वारा इनके पास मिली 1-2 नाली बंदूक, 10 कारतूस, फर्जी 2 आर्म्स लाइसेंस और सिक्योरिटी कंपनी में कार्यरत पहचान पत्र को भी जब्त कर लिया गया है। नीट पेपर लीक मामले में एक्शन में केंद्र सरकार, दिल्ली के लिए रवाना हुई EOU टीम। नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार एक्शन में नजर आ रही है। पटना में नीट एग्जाम को लेकर कथित अनियमितताओं को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई EOU से रिपोर्ट मांगी है। वहीं मामले में EOU के संबंधित अधिकारी सभी जब्त किए सबूतों और दस्तावेजों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार की तरफ से आगे की कार्यवाही की जाएगी।
भाजपा नेता अवधेश नारायण सिंह फिर से संभालेंगे विधान परिषद का स्पीकर पद। भाजपा नेता और बिहार विधान परिषद में गया स्नातक क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य अवधेश नारायण सिंह को बिहार विधान परिषद का कार्यकारी सभापति नियुक्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति से बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा अवधेश नारायण सिंह को बिहार विधान परिषद के सभापति के दायित्व के निर्वहन के लिए कार्यकारी सभापति के रूप में नियुक्त किया गया। बता दें कि जदयू नेता और पूर्व सभापति देवेश चंद्र ठाकुर के सीतामढ़ी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने जाने के बाद से ही यह पद रिक्त था। वहीं बताते चले कि भाजपा नेता अवधेश नारायण सिंह इससे पहले भी 2020 से 2022 तक विधान परिषद के सभापति की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। वहीं 2012 से 2017 के बीच भी वो सभापति का पद संभाल चुके हैं। नीट पेपर लीक मामले में जदयू ने लालू परिवार पर लगाए गंभीर आरोप। नीट पेपर लीक कांड को लेकर बिहार की सियासत में संग्राम मचा हुआ है। एक तरफ जहां आरजेडी इसके पीछे बीजेपी का हाथ बता रही है, वहीं बीजेपी तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप मट रही है। वहीं बीजेपी का साथ देते हुए अब जदयू ने भी लालू फैमिली पर सवाल खड़े किए हैं। नालंदा के बिहार शरीफ में मीडिया से बात करते हुए जेडीयू कोटे से मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि कुछ लोगों को गड़बड़ी करने और कानून को हाथ में लेने की आदत होती है। उन्होंने कहा कि लालू परिवार पहले से भी कई मामलों में आरोपित रहा है और जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, निश्चित रूप से लोगों का संदेह उनके ऊपर है। उन्होंने आगे कहा कि मामले की जांच तेजी से चल रही है, जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश मुकाबले में हैट्रिक लेकर पैट कमिंस ने रचा इतिहास। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच हुए मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक लेकर इतिहास रच दिया है। बांग्लादेश की पारी के 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर पैट कमिंस ने महमूदुल्लाह को बोल्ड कर पहली सफलता हासिल की। इसकी अगली गेंद पर उन्होंने जंप के हाथों मेहदी हसन को कैच आउट करवा कर दूसरी सफलता हासिल की। वहीं अगले गेंद पर कमिंस ने सेट बल्लेबाज तौहीद को हेजवुल्ड के हाथों कैच कराकर हैट्रिक कर ली और इसी के साथ वे मौजूदा T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले इतिहास के 7वें और ऑस्ट्रेलिया के 4थे गेंदबाज बन गए हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, वेद प्रकाश सिंह, राकेश मिश्रा, अनवर करीम खान, रंजीत मिश्रा, छोटू राजा, सुनील कुमार मंडल, नौसाद रजा, अनामिका मिश्रा, सादुल्लाह पालवी, गोनर शर्मा, मोहम्मद सागर कमल, उमेश ऋषिदेव, रामजी कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, देवानंद प्रसाद, जानवी कुमारी, रवि सिंह, राम बाबूदास। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में दवाएं मिलती है या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।